हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज सभी भाइयों को जोड़े वाले कबूतरों के लिए दाना बता रहे हैं, बढ़िया वाला दाना, ठीक है भाई। लेकिन उससे पहले सभी भाइयों को 10K सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई। और आप सभी भाइयों का प्यार है भाई, जो 10K पे पहुंचे हैं, और इसी तरीके से आप सभी भाई प्यार देते रहना भाई, तो 20K और 1 लाख पे भी पहुंचेंगे भाई इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो आप सभी भाइयों का प्यार चाहिए, इसी तरह भाई प्यार देते रहो अपना। और भाई, जितनी कोशिश होगी उतनी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए आएंगी, क्योंकि देखो अभी तक जो थोड़ा सा उड़ने वाले कबूतरों का भी जाल वगैरह तैयार किया था, सेटअप तैयार किया था, और जोड़े वालों का भी थोड़ा एक्सचेंज किया था। तो भाई, इसमें थोड़ा सा तब्दीली करी है, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी माशाल्लाह फ्री हो चुके हैं, तो अब भाई सभी के लिए देखो जोड़े वाले सेटअप की भी वीडियो में शो करूँगा आगे, और माशाल्लाह पर डे आपको वीडियो भी मैं अच्छी से अच्छी दूंगा अभी, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक एक चीज़ अभी जो है वो तैयारी है, आने वाले जो गर्मियाँ हैं उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई अभी से जो चीज़ करनी है वो चीज़ सभी भाई को एक एक चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह। जो मैं खुद करूँगा वो आपको भी साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है भाई। जैसे कि देखो, ये जोड़े वालों का दाना है, ठीक है। ये दाना भाई मेरा जो अब से पहले चल रहा था, यानी कि आज की डेट तक भी जो चल रहा था, यही दाना था मेरा, ठीक है। और ब्रीडिंग इसी से करा रहा था मैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है, आप सभी भाइयों की दुआ है। लेकिन भाई, एक एक चीज़ जब बारीकी से नोटिस करोगे आप, तो बड़ा नुकसान होने से पहले आप पहचान कर लोगे, ठीक है भाई। तो इसमें तब्दीली दाने में थोड़ी कर रहा हूँ मैं, वही आपके साथ में शो कर रहा हूँ। तब्दीली क्या कर रहा हूँ भाई, जो मेरे खुद के कबूतर हैं, हो सके आपके भी कबूतर कर रहे होंगे, जो गेहूँ का दाना है इस टाइम थोड़ा कम ठा रहे होंगे, ठीक है। इस टाइम जो बाजरे की तरफ और अखला जो होता है, जिसे गेगला भी बोल देते हैं, अखला मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत भाई फ़ोन करके पूछते हैं भाई कि अखला क्या होता है भाई, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ अखला, ठीक है भाई। जिस भाई को ना मिले वो स्क्रीनशॉट ही ले लेना है। ये देखो भाई, ये होता है भाई अखला, ठीक है। ये सरसों की तरह होता है देखने में, लेकिन सरसों के दाने से मोटा होता है थोड़ा, ठीक है भाई। ये देख लो, जिस भाई को नाम में फ़र्क आ रहा हो कि जी अखला क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अखला बोलते हैं, बहुत सी जगह से गेगला बोल देते हैं, तो भाई वो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और जाके दिखा देना, वो दे देगा इसे, ठीक है भाई। ये देख लो, भाई ये अखला होता है, ठीक है। और माशाल्लाह अभी मैं बताता हूँ थोड़ी आपको, तो भाई देखो, जो दाना मेरा चल रहा था आपसे पहले, ब्रीडिंग अब तक मस्त हो रही है, बढ़िया ब्रीडिंग, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन भाई क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी मैं जो नोटिस कर रहा हूँ एक दो दिन से, वो गेहूं के दाने पे कबूतर थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं, गेहूँ के दाने को उठाने में थोड़ी ये समझ लो हल्कस मान लें, ठीक है। तो उसी के कारण भाई, ऐसा ना हो कि मैं 2-4-5 दिन लेट करूं, पता लगे इतने में हमारे बच्चे जो ब्रीडिंग में निकल रहे हैं इस टाइम, बच्चे जो बनने हैं इस टाइम, वो बच्चे भाई आज की डेट तक तो हेल्थी हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ का ध्यान ना देंगे तो भाई पता लगे 2-4 दिन में वो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा पड़ गई है, उसी के हिसाब से दाना भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है ना भाई, ठीक है। तो जो हमारा अब तक दाना चल रहा था भाई, उसी दाने में मैं कुछ सामान ऐड कर रहा हूँ, और दाना ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जो पहले दाना चल रहा था वो दाने की मैं आपको एक बार डिटेल दे देता हूँ, ठीक है, और इसका रीज़न बताऊँगा इसी में क्यों ऐड किया जा रहा है। इसमें भाई जो पहले मैंने ऐड कर रखा था, ये लगा लो 30 किलो गेहूँ था इसके अंदर, और 30 किलो गेहूँ में भाई 30 ही किलो बाजरा था, और जो मिक्स दालें थी, मिक्स दाल जो थी भाई वो इसमें 8 किलो थी, 30 किलो बाजरा 30 किलो गेहूँ में 8 किलो मिक्स दाल थी, ठीक है। और भाई 7 किलो इसमें ये था अखला, ठीक,
और भाई 7 ही किलो इसमें चना था, ठीक है। तो ये आइटम था इसमें, और भाई जो हमारी मूंग थी इसके अंदर, मूंग जो थी वो भाई कम थी, मात्र समझ लो 2 केजी मूंग थी, क्योंकि भाई सर्दी का टाइम है और इन दिनों में मूंग कम दी जाती है भाई, जोड़े वाले को रगोड़ने वाले को तो देते नहीं है इस टाइम में, ठीक है भाई। और मक्का जो थी भाई इसमें ओनली ऑल 5 केजी मक्का थी इसमें, 5 किलो जो हमारे पुराने दाना बना हुआ था उसके अंदर ये चीज़ें थी हमारी। और साथ साथ इसमें हमने ऐड कर रखी थी अपनी 8 केजी ज्वार, ठीक है। ये पुराने दाने की डिटेल बताइए भाई मैंने जो भी है। अब इसमें क्या था, कबूतर दाना खा रहे हैं लेकिन गेहूं को छोड़ रहे थे, तो इसमें हम गेहूं न डाल के खाली हम इसमें बाजरे की, अखले की और चने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा देंगे इसमें और, ठीक है भाई। तो इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं मात्र, ये समझ लो अभी जैसे जनवरी लगेगी, ये बस जनवरी का दाना है भाई जो मैं बता रहा हूँ। चलने के लिए देखो ऐसी बात नहीं है, आगे भी चलेगा ये दाना, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ों की तब्दीली हो जाती है। ये जनवरी और फरवरी आप चला सकते हो इस दाने को, जो बताऊंगा मैं इसमें लगाएंगे दाने में। हालांकि ये दाना भी आप चला सकते हो भाई, जो मैंने पुराना बना रखा है, एक नंबर का ब्रीडर दाना है ये, बढ़िया दाना, ठीक है। और इसी में भाई जो सामान ऐड कर रहा हूँ, ये आने वाले जो 2 महीने ये जनवरी फरवरी में आप इसी दाने को दो, तो इससे क्या है बच्चे आपके, जैसे कि मान लो सर्दी बढ़ रही है, सर्दी से बचे रहेंगे, क्योंकि अखला भाई बहुत अच्छा काम करता है इस मामले में, और ब्रीडर कबूतर के लिए समझ लो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है भाई। और साथ साथ इसमें जो मक्का की क्वांटिटी है भाई, ये कम से कम रखनी है आपको, ठीक है। ये समझ लो पहले कितना दाना बताया मैंने आपको, 30 किलो गेहूँ और 30 किलो बाजरे में मात्र 5 किलो मक्का थी अब से पहले। अब जो है जो पुराना दाना मेरा बच रहा है, ये करीब करीब ऐसे होगा भाई मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 30 केजी के आसपास ही होगा ये भाई, क्योंकि मेरा दाना ये चल रहा था पिछले तीन महीनों से चल रहा था दाना, तो मैं दाना जो बनाता हूँ भाई 1 महीने के लगभग पेट का ही दाना बनाता हूँ। अब ये 30 केजी दाना है जो मेरा ये सामने पड़ा है, इसी में मैं अब क्या कर रहा हूँ, 30 केजी बाजरा ऐड कर रहा हूँ भाई, ये रखा है सामने, और चना इसमें भाई मात्र 5 केजी बढ़ाऊँगा, अखला इसमें 5 केजी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ सभी भाइयों को, ये देखो मैं इससे पहले अखला डाल देता हूँ, चना जो है भाई, जो चना आप लोगे इसमें ध्यान रखना है, देसी चना लेना है छोटा वाला, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ इसे भी मैं, ये होता है देखो देसी चना भाई, ठीक है, ये देसी चना होता है छोटा, ये वाला चना लेना है आपको, ठीक है भाई। अभी मैं जैसे मिला दूंगा से भाई, तो एक बार मैं फाइनली क्वांटिटी आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना है, क्योंकि देखो मैं तो पुराने दाने में ऐड कर रहा हूँ, तो हो सके बहुत से भाइयों की समझ में ना आ रहा हो कि ये कितनी क्वांटिटी कैसे क्या की है। और इसी में भाई मैं उड़ने वाले कबूतरों के भी बताऊँगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको एक बार समझा दूँ सही, ठीक है भाई। ये इसमें चना डाल दिया मैंने भाई, और ये भाई बाजरा एक बार मैं दिखाता हूँ आपको और फिर बताता हूँ बाजरे के बारे में। ये भाई बाजरा देखो, ठीक है भाई, मोटा बाजरा है बहुत अच्छा, बिल्कुल मतलब मोती सा बाजरा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा दाना है ये वाला बाजरा जो, इसके बारे में बताऊंगा अभी भाई। ये जो बाजरा है आपको साफ सुथरा बाजरा है ये, इसमें कोई दवाई नहीं कुछ नहीं, और यही बाजरा आपको लाना है, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, मान लो ऐसी ये 30 रुपये केजी के आसपास मिलता है ये वाला बाजरा जो है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, इस बाजरे के अंदर आप जो ले आओगे बिना दवाई वाला अच्छा बाजरा, मोटा बाजरा लाओगे, क्योंकि भाई अब जो है बाजरे को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी है, ठीक है, तो धोने की ज़रूरत नहीं है भाई, धोने के लिए इसमें बिल्कुल
कोई ये मत समझना, क्योंकि बहुत से भाई क्या काम करते थे जिन्हें अंदाजा नहीं है, वो भाई भाई बाजरे को रात भर भिगो लेते हैं इन दिनों में। तो ऐसी गलती मत करना आप, ये भिगोने की जरूरत नहीं है बाजरा। अच्छा बाजरा लाना, बिना दवाई वाला, बोल के लाना कि भाई बिना दवाई वाला बाजरा दो, उसे ऐसे ही डालना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वही बाजरा भाई देखो तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ मैं ऐसे ही बिना दवाई। ये बाजरा से भाई देखो बिना धुले मिला दिया मैंने, क्योंकि भाई अभी धोने का कोई फायदा नहीं। अच्छा वाला बाजरा बिना दवाई वाला लेकर ना आप ऐसे ही कर लेना इसे काम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो आपको जनवरी और फरवरी करना है इस तरीके से, ठीक है भाई। और कबूतर को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है भाई, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने मैं खुद खिला रहा हूँ, और बच्चे अंदर देखोगे ना आप तो भाई हो सके इंशाल्लाह सब जोड़ों के नीचे बच्चे होंगे, ठीक है। और माशाल्लाह इतने बड़े बड़े भी हो रहे होंगे, तो भाई तुम्हारे सामने देखो कर रहा हूँ मैं, ठीक। और इसके साथ साथ में भाई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपकी समझ में क्वांटिटी मेरे हिसाब से आई नहीं होगी कुछ भाइयों के, मैं फाइनली क्वांटिटी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वांटिटी आपको बनानी है इस टाइम जो है भाई। अभी जो है मान लो आप 30 किलो बाजरे की बता रहा हूँ मैं सभी भाइयों को, अगर 30 केजी आप बाजरा लेते हो तो भाई 30 केजी बाजरे में मात्र 15 केजी गेहूँ लेना है आपको, ठीक है। 15 केजी गेहूँ लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको चना भाई बिल्कुल नया बता रहा हूँ, कोई पुराना नहीं, नया दाना अगर आप बना रहे हो, 30 केजी बाजरा हो गया, 15 केजी गेहूँ हो गया आपका, 5 केजी आप चना ले लेना, 5 से 6 केजी चल जाएगा देसी चना। मिक्स दालें भाई 6 से 7 केजी आप ले लेना, मिक्स दाल जो होती है, ठीक है। मिक्स दाल लोगे तो मूंग दाल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 6 से 7 केजी ले लेना भाई, बहुत परफेक्ट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको ये वाली। उसके साथ साथ भाई ज्वार लेनी है आपको इसमें कम से कम 7 केजी, मक्का मात्र 3 केजी लेनी है आपको, ठीक है। ज्वार 7 केजी, मक्का मात्र 3 केजी। अगर आपका मन नहीं मानना है तो भाई मूंग ज्यादा से ज्यादा 1 केजी ले लेना, वैसे जरूरत नहीं है जब मिक्स दाल आप ले लोगे, ठीक है। चना हो गया आपका, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, और ज्वार हो गई, और भाई आपकी मक्का हो गई, और मिक्स दालें हो गई। और इसमें भाई तुम्हारा इसमें एक आइटम आपका अखला हो गया, अखला जो लेना है भाई आपको 5 से 6 केजी लेना है, ठीक है। 30 केजी बाजरे के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ये 7 आइटम आपको मिलाने, और माशाल्लाह ब्रीडिंग बहुत अच्छी होगी आपकी, जो क्वांटिटी बताई है भाई इसी हिसाब से बनाना, ठीक है। साथ साथ और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि देखो अभी मैं इसे मिक्स करूँगा और वीडियो भाई ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये फाइनल क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से आप दाना तैयार कर लो, और इसी में दाने को आप क्या काम करोगे, जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं, क्योंकि बहुत से भाई ये पूछते हैं कि भाई उड़ने वाले कबूतर को दाना कौन सा देना चाहिए, तो भाई इन दिनों में कबूतर उड़ाने का तो कोई रोल नहीं होता, देखो सभी भाइयों ने कबूतर अपने रोक रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, उड़ने वाले कबूतर को यही दाना दे सकते हो, लेकिन भाई इसके अंदर आपको मक्का नहीं डालनी है, उड़ने वाले कबूतर के लिए मक्का नहीं डालनी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। बाकी यही दाना आप दे सकते हो उड़ने वाले कबूतर को सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी, उसके बाद में भाई दाना चेंज हो जाएगा, तो वो भी मैं जैसे चेंज करूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।